अभी कोई भी न्यूज चैनल देख लो, कोई भी टीवी देख लो, सब जगह वही चुनाव की बातें, यूपी में चुनाव है और यार कौन जीतेगा, है ना, यही चर्चा आपस में दोस्तों में भी। भाई उसने इतना बुरा किया था, वो तो नहीं आएगा, भाई मेरे यहाँ से ये खड़ा है। तो अभी तो काफी हॉट डिस्कशन चल रहा है, पर पता है आप इस डिस्कशन में एक चीज भूल रहे हैं, आचार संहिता लगी जरूर है पर आपका पेपर आचार संहिता में हो जाता है। ये कानूनन रूल है कि आचार संहिता में पेपर हो सकता है, नोटिफिकेशन नया नहीं आता पर पेपर हो सकता है। तो आप लोग जो यूपीपीसीएल जेई के लिए ये प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर्म भर चुके हो, आप ये भूल रहे हो कि पेपर आपका होगा और कभी भी 10 से 15 दिन के गैप में पेपर हो जाएगा। केवल एडमिट कार्ड आएगा और सीधे 10 से 15 दिन के बाद पेपर उसमें शेड्यूल्ड होगा। तो ये बिल्कुल दिमाग से आप निकाल दीजिए कि पेपर नहीं होगा, पेपर होगा, कभी भी हो सकता है। और आज 3 फरवरी आपको यूपीपीसीएल जेई का पूरा 2021 का एनालिसिस बताऊंगा कि कितने नए सब्जेक्ट्स जुड़े, 6 जो नए सब्जेक्ट्स हैं उनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस आए और कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से आए। इतनी डीप एनालिसिस कोई फैकल्टी टीचर नहीं देगा क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। मुझे चाहिए आपसे सिलेक्शन। अभी रिसेंटली एचयूआरएल जेई में मेरा एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है। अब मुझे जेई में सिलेक्शन वाले स्टूडेंटों की कतार बनानी है। टेक्नीशियंस में तो बच्चे 100 100 से ऊपर सिलेक्शन दे डाले हैं। मुझे अब जेई में ये लाइन कतार लगानी है। तो आप सब लोग इस सेशन को शेयर करिएगा। लिंक जो है वो जो सेशन है 9:30 बजे 3 फरवरी 9:30 बजे, यानी कि आज आप लोग उसको सेट रिमाइंडर कर लीजिए और उस सेशन को ज्वाइन करिए। क्योंकि जब तक हमें डीप एनालिसिस नहीं होगी किसी चीज की कि भाई कितना कहाँ 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 से पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आने हैं, तब तक हम उस पेपर को क्या क्या फतेह करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। शाम को आप सभी को 9:30 बजे मौजूद रहना है और सेशन को शेयर करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।